कि जितने हमारे गाड़ियों के ड्राइवर थे उतना ही उनका मजमा था। सबसे पहले मैं इस आवाम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद जिन्हें भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का शुक्र। आपने तो सुबह से हमारे साथ थे, दो दिन पहले या एक दिन पहले यहाँ लोगों ने नॉमिनेशन पेपर भरे, उन्होंने भी रैलियाँ की। मेरे इस रफीक और शफीक दोस्त ने बहुत अच्छा कहा कि जितने हमारे गाड़ियों के ड्राइवर थे उतना ही उनका मजमा था। ये एक तवारीखी मजमा था और इसमें जो हमारे कायद है जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और निडर होनहार ईमानदार लीडर रूहुल्ला महदी साहब थे, जिन्होंने ये इज्जत जो मुझे और मेरे बीरवा को मिला और हमने उनको आज ये दिखाया, एक संदेश दिया कि फारूक साहब और रूहुल्ला साहब आपने हमारी इज्जत रखी कि आपने हमें मैंडेट दिया, और लेकिन आप भी देखें कि हम आपसे कितने मोहब्बत करते हैं, कितने शफकत करते हैं, कितना हम आपको इज़्ज़त देते हैं। और आज की रैली यही हमारी कामयाबी है, यही हमारी कामरानी है और यही हमारी विक्ट्री है इंशाल्लाह। लेकिन हम चाहते हैं मुकाबला हो जाए, मज़ा है मुकाबला करने में, ताकि हम भी दिखाएं कि हम में कितनी टैलेंट है, हम में कितनी ताकत है, हम में कितनी महारत है और हम में कितनी दम है। बहुत अच्छा है, हम हमेशा चाहते थे कि जमात इस्लामी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, हम वेलकम कर रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन। आज देखा सबसे ज़्यादा लोग तो उसी एरिया से जिसके वो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, मुलशुल, डेजमलीगुंड, साईहमा, बनहामा, सारन गाम, वुडली गाम, गोंदीपोरा, नाजन, वहाँ से ही तो लोग ज़्यादा आए थे। तो मेरे ख्याल में वो अगर दाना और अक्लमंद है, उनको लोगों ने आज जवाब दिया। मेरा बीरवा का आवाम जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मुझे भी प्यार करते हैं, इंशाल्लाह आने वाले इन इंतखाबात में आप अपनी पसंदीदा पार्टी जिसको आप हमेशा चाहते हो अपना वोट उसको दे दो, क्योंकि यही पार्टी आपकी इज़्ज़त, आपकी गैरत की मोहसिन है, तहफ़ देने वाली है, और यही पार्टी जितने भी हमारे डेवलपमेंट काम है यहाँ पर या हमने किए हैं या इंशाल्लाह हम ही करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस आवाम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद जिन्हें भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसने डॉक्टर साहब जैसा कैंडिडेट इस बीरवा को दिया। तो फिर बाद में रहा ये सवाल इसका रैली का, रैली से तो फिर सब लोगों को पता ही चलता है कैसा होगा यहाँ पे इलेक्शन और कौन जीतेगा इंशाल्लाह। कोई चैलेंज कोई नहीं, वो तो उसको अपनी मर्ज़ी थी, वो अपने मर्ज़ी का मालिक है, इसलिए वो चला गया वहाँ, उसको वहीं नज़र आया ठीक तो वो चला गया। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अलबत्त एक बात है, जो यहाँ पे इस वक्त रैली हुई लोगों के सामने है, ये आवाम के सामने ये रैली, इससे पता चलता है कौन कहाँ पर और कौन कितना पानी में है। मैं ये बात मैं कहूँगा, जो 370 है मरकज़ हुकूमत ने हटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला अभी महफूज है। और नंबर एक, नंबर दो, जो यहाँ का फैसला है, इस J&K गवर्नमेंट का फैसला है, वो भी महफूज है, क्योंकि वहाँ वो तो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को देना है, अभी चीफ मिनिस्टर तो बना ही नहीं है, जब चीफ मिनिस्टर बने तब फैसला देगा वो अल्लाह इंशाल्लाह। ये तो मुनज़िर आम पर है इस वक्त, ये तो नेशनल काउंसिल की झोली में है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके नाम यही पैगाम भेजना चाहते हैं कि वोटर्स बिला खौफ बिला डर निकले और वोट डाले और सीधा नेशनल काउंसिल के हक में वोट डाले। शुक्रिया हमारे साथ।